खटीमा के हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब नामांकन रद्द होने की आशंका के चलते एनएसयूआई प्रत्याशी दीपक मंडेला आत्महत्या करने विश्वविद्यालय की छत पर चढ़ गए। फिर विधायक भुवन कापड़ी के समझाने पर मंडेला छत से नीचे उतरे। शाम तक प्रशासन ने नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली। दीपक मंडेला का नामांकन रद्द होने के बाद अध्यक्ष पद के लिए रोहित गंगवार का नामांकन दर्ज करवाया गया। दीपक मंडेला का नामांकन रद्द होने के बाद एनएसयूआई ने रोहित गंगवार को अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। प्रशासन ने शाम तक नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली। इससे पहले विश्वविद्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वर्ष 2022 में दीपक के खिलाफ SC ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जो कि अभी तक न्यायालय में विचाराधीन है, जिसको लेकर ABVP से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अशरफी लाल के द्वारा दीपक मंडेला के नामांकन पत्र आपत्ति दर्ज कराई गई थी। एनएसयूआई के पूर्व प्रत्याशी दीपक मंडेला ने नामांकन रद्द होने की आशंका को लेकर आत्महत्या करने विश्वविद्यालय की छत पर चढ़ गए। विधायक भुवन कापड़ी के समझाने पर मंडेला छत से नीचे उतरे। नामांकन रद्द होने के बाद दीपक मंडेला ने इसे सरकार की साजिश बताया। आज हम लोगों को दबाने की जो कोशिश करी गई है वो किसी से छिपा नहीं है। आज हमारा नामांकन तो निरस्त कर दिया गया है, लेकिन आज उनके पास उनकी सत्ता है, उन्होंने हमारा नामांकन तो निरस्त कर दिया, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ पाएंगे। आने वाले चुनाव में रोहित गंगवार हमारा भाई है, हम उसको चुनाव जिता के दिखाएंगे और उनके मुंह पे ऐसा तमाचा मारेंगे कि जो आज हमारे साथ दबाव बना के सरकार का पूरा गलत प्रयोग करके हमको दबाने की कोशिश करी है, तो सरकार के हम दिखाना चाहेंगे, सरकार को दिखा देंगे। चुनाव अधिकारी ये और जो चुनाव प्रशासन चुनाव अधिकारी बनाया हुआ अध्यक्ष बनाया हुआ है, इनको इन लोगों ने जो सरकार के साथ मिलकर हमारे साथ किया है वो हम 7 तारीख को इनका जवाब देंगे, रोहित गंगवार को प्रेसिडेंट बनाकर। दीपक मंडेला का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी प्रशासन के ऊपर बेहद नाराज नजर आए और पूरी नामांकन प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए। नामांकन आपत्ति प्रपत्रों की जाँच, उसके बाद वैध प्रत्याशियों की घोषणा, ये पहले ही इन सब चीज़ों का प्रसारण कर दिया जाता है। जब परपत्रों की जांच का समय 1 बजे था तो 1 बजे से समय को 4 बजे बढ़ाया गया, तो साफ साफ इससे पता चलता है कि भाई शासन प्रशासन का दबाव समय सीमा बढ़ाई गई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर किसी को शिकायत थी, मुकदमे दर्ज थे, तो वो प्रपत्र 1 बजे तक प्रस्तुत करते और 1 बजे तक अगर वो प्रूफ दे देते तो नामांकन निरस्त होता। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं होती कि आपने जो है कि ठीक है अवैध है तो आप निरस्त करिए, लेकिन 1 बजे के समय को 4 बजे तक बढ़ाकर देना, प्रशासन का पूरा इन्वॉल्वमेंट होना, कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनाना, ये सब दिखाई दे रहा है। शासन सत्ता का दुरुपयोग है जो छात्र राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। पूरे मामले के उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने सारी प्रक्रिया नियमों के हिसाब से होने की बात कही है। शासन चुनाव के प्रेसिडेंट पद के लिए दीपक मंडेला एक प्रत्याशी था, लेकिन किसी द्वारा उसकी शिकायत की गई थी, उसके ऊपर कोई केस विचारा नहीं था। जैसे इसी सिलसिले में हमारे कॉलेज प्रशासन ने एक वहाँ से कोर्ट से एक आख्या मांगी, उस आख्या के अनुसार अभी जो उसका केस अभी अंडर ट्रायल है और लिंगडो कमेटी के हिसाब से और छात्र संविधान के हिसाब से जो भी व्यक्ति अगर अंडर ट्रायल है या दोषी है तो उसको चुनाव लड़ने का हक नहीं है। यदि इस सिलसिले में इसके निर्णय हमारे निर्वाचन अधिकारी कॉलेज के द्वारा लिया जाएगा। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज़ पर।